नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम आए हुए हैं रठूंगणा गांव में, और भी पूरी जानकारी अपन इनके ओनर से लेंगे, कौन सा गांव है और कौन सा ज़िला पड़ता है। और आपको दिखाते एक बेहतरीन घोड़ा। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। तो भाई साहब, आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका, और ये अपना गांव का क्या एड्रेस है, कौन से जिले में आता है? नाम मेरा मांगीलाल है। अच्छा, जिला राजसमंद। अच्छा, तहसील देलवाड़ा। अच्छा, गांव कौन सा? रठूंगणा। और जिला राजसमंद में आ जाता ना। तो क्या किस नाम से है अपना फार्म? ये अच्छा शिव शक्ति। ये मतलब उदयपुर से कितना किलोमीटर होगा? लगभग 27 किलोमीटर। और राजसमंद से? राजसमंद से होगा 35। अच्छा, मतलब उदयपुर से पास पड़ता है। हाँ। उदयपुर के लगभग ही पड़ता है, नेगड़िया टोल के पास ही। अच्छा, नेशनल हाईवे कितना पड़ जाता है यहाँ से? लगभग 1-2 किलोमीटर। अच्छा, तो भाई साहब कितने समय से रख रहे हो आप घोड़ा घोड़ी? लगभग 17-18 साल। अच्छा, 17-18 साल हो गए। तो कितने घोड़े लाए और कितने बेच दिए लगभग? अच्छा, एक घोड़ी लाए थे आप। अच्छा, तो अपन बात करें इस घोड़े की, तो क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम हंसराज। अच्छा, हंसराज है। तो ये अपने घर की होम ब्रीड ही है या खरीद के लाए हुए? अच्छा, तो इसकी माँ को खरीद के लाए थे आप? माँ की माँ को लाए। अच्छा, इसकी माँ की माँ को। 7 महीने रही वो। अच्छा, तो अभी अपने फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी? लगभग 5 है। तो अभी मेन घोड़ा आपका ये है मेन? अच्छा, एक बच्चा और है। दो घोड़े? दो घोड़े। अच्छा, बाकी घोड़ियाँ? दो घोड़ी है, एक बच्ची है। अच्छा, तो अभी हंसराज की? इसी की। अच्छा, इसी की बच्ची है, वो भी अगले वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। तो अभी क्या उम्र का हो गया लगभग ये? 4 साल का हो गया होगा, 1-2 महीने ऊपर होगा, पर कम नहीं। अच्छा, 4 साल का हो गया, 1-2 महीने कम होगा, ज्यादा होगा पर कम नहीं होगा। अच्छा, मतलब पूरा घोड़ा बन गया? मतलब और 4 साल का हो गया है। और हाइट की बात करें तो क्या हाइट का लगभग ये? अच्छा, मतलब लगभग तो भी अभी कोई मतलब जी 61-62 के। तो इसके जैसे इसका बाप कौन है? क्या नाम था उसका? पर्वतराज। अच्छा, पर्वतराज का ये। पर्वतराज एक घोड़ा था, पहले वीडियो में दिखाया हमने, उसका बच्चा है। तो अभी कितनी घोड़ियां कवरिंग करवा दी इसके लगभग? अच्छा, आगे ले आओ, आगे ले आओ थोड़ा। अपने पास एक मेजर है। अच्छा, दो रिजल्ट आ गए, दो घोड़ी पे डाला आपने? एक दो पे और डाला था। अच्छा अच्छा, अभी मतलब प्रेग्नेंट है घोड़ियाँ? अच्छा, पचकल्याण है ना? चारों पैर सफेद है और मुंह पे पता है। तो कैसे आ रहे रिजल्ट इसके लगभग? तो है ना, अभी आपके सामने आ जाएगा, अभी दिखाएंगे कैसा आ रहा रिजल्ट। तो मतलब दो रिजल्ट में, एक तो आपके पास है वो पचकल्याणी है बच्ची? नहीं, 3 पैर सफेद है। अच्छा, एक और एक और है वो जो वो गुंडे की तरह को, दो पैर सफेद है। दो पैर सफेद है। अच्छा, तो कोई डिमांड वगैरह लगी क्या, खरीदने वाला कोई आया? पहले वो वीडियो डाला था उस टाइम में ही थी, पर वो जमा नहीं। अच्छा, देने का? तो अभी सेल करने का विचार है आपका? अगर कोई होगा तो सेल कर दोगे? ठीक है। बाल बवरी वगैरह सब क्लियर है? अच्छा, इसका बाप पर्वतराज जो है वो अभी शायद गुजरात में है, गुजरात सेल कर दिया पहले शंकर जी रूपल फार्म, रूपल पे, रूपल स्टेट फार्म पे इसका फादर खड़ा है। तो और हाइट करेगा या आपके हिसाब से बस अब ये हाइट इसकी? वो बोलते हैं 7 साल का होता हुआ तो करते हैं, अपन क्या बता दे, करेगा नहीं। अच्छा, ये सामने है।
ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आप सभी को एक पूरा। अच्छा, लंचिंग वगैरह की थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, पच कल्याण कोई भी अगर परचेज करना चाहे तो ये घोड़ा सेल पे अवेलेबल है। और ठीक है मांगीलाल जी, आपके मोबाइल नंबर दे दो। 97 84 84 40 40 27 27 16 16। कोई भी कांटेक्ट करके परचेज कर सकता है। तो अभी डिमांड वगैरह कुछ रखी है कि जैसे कोई ग्राहक होगा उस हिसाब से दे दोगे आप? अच्छा, कोई कस्टमर होगा उस हिसाब से। ठीक है, नेक अगले वीडियो में आप सभी को और भी शिव शक्ति फार्म के घोड़ियाँ और बच्चे जो भी है वो भी दिखाएंगे। अपने घोड़ा दिखाया है जो सेल पे है, अभी लगभग 61-62 की हाइट है, नापी तो नहीं है मगर 62 के लगभग है। कोई भी आके देख के परचेज कर सकता है। बाकी घोड़े में कोई कमी नहीं है, कान वगैरह बाल पंवरी की इनकी पूरी गारंटी है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दिखाओ आपके घोड़ा घोड़ी। ठीक है, इसको बांध दो।